फरुखाबाद में कर्ज में डूबे अधेड़ ने उठाया आत्मघाती कदम। अधेड़ पिता ने पुत्री को गोली मारकर हत्या कर खुद को भी मारी गोली। गोली लगने से पिता पुत्री की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कासगंज के बहेड़िया गांव के समीप एक युवक को मारपीट कर बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से हुआ फरार। राजस्थान के बारा छिपाब टोद में काले रंग के कपड़े पहनकर ग्राम विकास अधिकारियों ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। राजस्थान के शाहबाद में जल लेने कांवड़िया राजघाट को रवाना। श्रावण माह शुरू होते ही भोले भक्तों में जबरदस्त उत्साह। गुरुवार को कस्बे में बाबा तुरंतनाथ मंडल के तत्वाधान में कांवड़ियों का जत्था जल भरने राजघाट के लिए हुआ रवाना। बलरामपुर के थाना हराया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र से एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाया जा रहा अभियान। यूपी के कायमगंज में एक नया मामला आया सामने, जहां हिंदू महिला के साथ दवाई और ताबीज के नाम पर हकीम ने बलात्कार की घटना को दिया अंजाम, जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपी हकीम के खिलाफ मामला कराया दर्ज। फरुखाबाद के थाना क्षेत्र शमसाबाद पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। एसओजी टीम और थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हिस्ट्री सीटर बदमाश के पैर में लगी गोली, गंभीर रूप से घायल। बदमाश को पुलिस ने आनंद फानंद में CHC शमसाबाद में कराया भर्ती। सिद्धार्थनगर में डिवाइस लगा गिद्ध का शव मिलने से क्षेत्र व जिले में फैली सनसनी। गिद्ध के शरीर पर लगे हैं चिप एवं वायरलेस डिवाइस। वन विभाग की टीम ने गिद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस गिद्ध के मिलने से सुरक्षा एजेंसियों पर उठ रहे सवालियत निशान। आगरा में मुख्य अतिथि श्री सुनील चौधरी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण आगरा जोन आगरा के पावर ग्रिड में किया वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण। सभी ने वन विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का किया स्वागत। राजस्थान के बारा अट्रू पंचायत समिति के मौटपुर ग्राम पंचायत में बेटी उद्यान वृक्षारोपण अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत में जन्मी नवजात बच्चियों के हाथों वृक्षारोपण कार्य भी करवाया गया। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।